जनपद उन्नाव के पूर्वा विकास खंड के ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कोरोना फाइटर्स को फूल माला पहनाकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। 14 दिनों के वनवास को झेल रहे परदेशी क्वारंटाइन सेंटर में पुत्तन पाल के याचना करने पर उनकी बातों को मानकर परदेशियों ने 14 दिन तक ठहरने का मन बनाया। उनके रहने और खाने पीने की सारी व्यवस्था ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान के द्वारा की गई। 14 दिन बीत जाने के बाद भी ग्राम विकास अधिकारी पुत्तन पाल ने सभी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और फूल माला लाद कर विदा किया और उन्हें धन्यवाद दिया कि सरकार और सरकार की मंशा के अनुरूप आप सभी लोगों ने काम किया है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की लड़ाई में आप लोगों ने यहाँ रुककर ये सिद्ध कर दिया कि आप सभी लोग सरकार के साथ हैं और आप सभी लोगों ने लॉकडाउन का पालन नियमित रूप से किया है। दिक्कतों का सामना करना पड़ा। किस तरह से चल के आए? कुछ दूर पैदल चले, कुछ दूर गाड़ी मिली और सीओ भी मिले, कुछ दूर पुलिस वाले रुकाए, कहीं खाना मिला, कहीं पानी मिला, इस तरीके से हम लोग पहुँचे। अच्छा, यहाँ फतेहगंज आने के बाद आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? कैसे आप यहाँ रहे? यहाँ तो स्कूल में रहना पड़ता था, कभी खाना खाए और वहीं स्कूल में रहे। यहाँ कोई दिक्कत नहीं? नहीं, यहाँ डॉक्टरों की टीम आई जी, आई, जाँच हुआ, जाँच। जनपद उन्नाव के फतेहगंज में हम आकर खड़े हुए हैं। यहाँ पर पुत्तन लाल पाल के अथक प्रयास से 14 दिन का, इसे हम एकांतवास कहेंगे या सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, यहाँ के सम्मानित लोगों ने उसका पालन करते हुए विद्यालय में निवास स्थान बनाया और आज वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर के अपने घरों की तरफ जा रहे हैं और उनको एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। आइए हम जानना चाहेंगे पुत्तन पाल जी से। पुत्तन पाल जी, आपका प्रयास वाकई सराहनीय रहा है। आपने लोगों को जो है एक गार्जियन, एक अभिभावक की तरह समय समय पर चिकित्सीय परीक्षण हो या खाने की व्यवस्था हो, आपने हर तरह से ध्यान दिया। क्या कहना चाहेंगे इन सब के विषय में? पवन जी, आपके मंच चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जब से अपने देश में ये कोरोना वायरस जैसी महामारी का जिक्र हुआ और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह आह्वान किया कि लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक किया जाए, आपने देखा होगा मैंने अपने प्रचार वाहन के माध्यम से, जिस संस्था का मैं अध्यक्ष हूँ उसके माध्यम से, पूर्वा विकास खंड के कम 40 ग्राम पंचायतों में जाकर के लोगों को जागरूक किया। जागरूक करने के साथ उसके बाद में जब गैर प्रांतों से, गैर जिलों से लोग लॉकडाउन के बाद आना शुरू हुए, सरकारी आदेश हुआ कि उनको स्कूलों में रखा जाए, मैंने अनाउंसमेंट के माध्यम से गांव-गांव जाकर के लोगों से अपील की। ये धन्यवाद के पात्र हैं जो लोग पीछे खड़े हुए हैं, मेरे अनाउंसमेंट से, हमारे प्रधान जी के प्रयास से ये सारे लोग स्कूलों से निकल करके आए और यहाँ पर 14 दिन ठहरे। जो भी सरकार के निर्देश थे, जो भी सरकार के आदेश थे, उसके तहत मैंने इनकी सेवा की, इनको इनकी व्यवस्था की। यहाँ पर हैं प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूर्वा की डॉक्टरों की टीम ने आकर इनका परीक्षण किया, परीक्षण करके उन्होंने लिखा कि ये सभी लोग इनकी कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति नहीं है। आज इनका 14वां दिन है, मैं इनको घर नहीं भेज रहा हूँ, मैं इनको मेहमान की तरह से, एक सदस्य की तरह से ये धन्यवाद के पात्र हैं कि जो 14 दिन क्वारंटाइन में रह करके इन्होंने अपने देश को बचाया है, अपने परिवार को बचाया है, अपने समाज को बचाया है, अपने घर को बचाया है, अपने ब्लॉक को बचाया है, इन्होंने महान काम किया है, इस भावना से मैंने इनको आज, और इस काम में यही लोग महान नहीं है, हमारे ग्राम प्रधान जी बड़ी मेहनत की है, इनका सम्मान हम लोगों ने किया है, हमारे डीपी यादव हैं जिन्होंने बहुत काम किया है, हमारे दो सफाई कर्मचारी हैं आंगनवाड़ी सुनीता जी हैं, इन्होंने मिल करके इस पूरे पाठशाला में जो लोग ठहरे थे इनकी व्यवस्था की है, सभी लोग सम्मान के पात्र हैं। मेरे मन में आया आज विदाई के अवसर पर जो लोग अपने घरों को जा रहे हैं तो माला फूल से पहना करके और एक प्रमाण पत्र दे करके कि आप बिल्कुल फिट हैं, ये प्रमाण पत्र दे करके मैंने अपने गाँव के प्रधान जी की तरफ से सबको सम्मानित करके अपने घरों को भेजूँ। ये मेरी भावना थी कि जो समाज के लिए कुछ करे, देश के लिए कुछ करे, अपने घर के लिए करे, उसका सम्मान होना चाहिए, इसी भावना से मैंने इनका सबका सम्मान किया है और इनको आज अपने घरों के लिए विदा कर रहा हूँ और हिदायत दे रहा हूँ, अब भी ये लॉकडाउन का पालन करेंगे, ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, ये अपने घरों में रह करके जिस तरह से रह रहे थे, ये नहीं कि अब यहाँ से गए तो झुंड लगा करके बैठ जाएंगे, मैंने इनको हिदायत दी, इसमें लिखा हुआ है कि आप अब भी लॉकडाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और शासन के जो निर्देश हैं उसका पालन करते हुए लॉकडाउन का पालन करेंगे ताकि कोरोना वायरस जैसी महामारी गाँव में न फैले। तो ये थे पुत्तन लाल पाल जी, इन्होंने बाकायदा लोगों को समझाया बुझाया, लोग इनकी बातों को माने, आज कोरोना वायरस के फाइटर्स अपने मकसद में काम हुए। इन्हीं तमाम सारी जानकारियों के लिए मैं धीरेंद्र सिंह पवन उन्नाव से